हियर कम्स केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन। केस स्टडी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी, हमने उसका कोई सोल्यूशन निकाला, फिर उसका केस बन जाता है। जैसे होता है ना, पास्ट में कोई गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, लेट्स सपोज कोई रेप केस है, कोई रेप केस बड़ा डिफरेंट था, तो उसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने कोई नया रूल निकाला, तो वो एक केस बन गया ना, इस केस में ऐसा हुआ था। तो अब केस स्टडी रिसर्च में क्या होता है, हम आज की डेट में ये ढूंढते हैं कि जो पिछला सोल्यूशन निकाला था, जो पुराने टाइम पर, लेट्स सपोज आज के 5 साल पहले किसी केस पर जो सोल्यूशन निकला था, वो आज भी वैलिड है कि नहीं है। दूसरा, हम ये रीजन ढूंढते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि हमें इसके सोल्यूशन में, इस केस में कोई नया सोल्यूशन तो नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जो प्रॉब्लम तो पास में थी, अब उसको क्या नए सोल्यूशन की जरूरत है, या पुराना सोल्यूशन ही आगे चलता रहेगा? हमें नए सोल्यूशन को ढूंढने की जरूरत है या पुराने में ही हमें चलना पड़ेगा? सो केस स्टडी रिसर्च क्या करती है, सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये देखते हैं कि जो पास्ट में प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने क्या करा उस सोल्यूशन के लिए, और हम उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद सभी सबसे नीचे आ जाओ, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी, आईवी लिखा हुआ है उस पर। ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे पहले हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक साथ साथ लिखते जाओ, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है डिमांड ऑफ चॉकलेट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिखो प्राइस, चॉकलेट का प्राइस, प्राइस। अब देखो, अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये दो वेरिएबल्स ही होते हैं, है ना? इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप होता है, पर अगर इन दोनों के बीच में, एक और चीज उसके पहले याद रखो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही रहता है, डिमांड ऑफ चॉकलेट हमेशा एक ही रहेगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकता है, पर डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होता है। अब क्या हो गया, मार्केट में एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। पहले तो हमने बोला था सिर्फ प्राइस है, चॉकलेट पर डिपेंडेंट सिर्फ प्राइस है, ठीक है ना? चॉकलेट, चॉकलेट की डिमांड हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल थी और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन चॉकलेट के कोई ट्रेंड आ गया है मार्केट में, तो वो ट्रेंड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। अब क्या है, अगर सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज ट्रेंड ऑफ चॉकलेट, कि आजकल चॉकलेट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अगर ट्रेंड ऑफ चॉकलेट डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करने की कोशिश करे, क्या करने की कोशिश करे, आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो हम ये जो सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हम बोलेंगे मैन्यूपुलेटिव वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, क्योंकि हमने रिलेशनशिप सिर्फ फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्राइस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज डिमांड ऑफ चॉकलेट, इन पर करना था, ठीक है? तो हमारे लिए ये सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ट्रेंड है वो क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए थर्ड वेरिएबल है। पहला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल कौन सा हो गया, सेकेंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है हमारा, दैट इज ट्रेंड। तो जब हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को के ऊपर इफेक्ट डालने की कोशिश करता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे कंफाउंडेड रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता, मतलब ट्रेंड जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ प्राइस ही अफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमने उसको कंट्रोल कर लिया, सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो उस सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल्ड वेरिएबल, मैनिपुलेटिव वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहेंगे। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल को समझो लड़का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझो लड़की, और सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझो सेकेंड लड़की। समझ गए, डिपेंडेंट वेरिएबल है एक बॉय, बॉय लिख दो राम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सीता, ठीक है? सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख दो, सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लो शालिनी,
ओके अब जो राम और सीता है वो पति पत्नी है, अगर तो जब हमारी कौन आई, शीतल जो भी नाम था, शीतल आई, तो शीतल अपने आप को क्या कर रही है, राम की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर राम बोल दे कि नहीं मैं लॉयल हूं, मुझे सिर्फ सीता के साथ ही रहना है, एक सेकेंड